कि लोग कई बार ऐसे पूछते हैं कि मोक्ष में मुझे मिलेगा क्या चला गया तो, वैलिड क्वेश्चन है. वहां पे शरीर नहीं है पहली बात तो यानी कि मेरे पास कोई टूल्स नहीं है भोग भोगने के लिए, कुछ नहीं है मेरे पास, राइट. अब सीधी आत्मा पहुंच जाएगी वहां पे, अब तो करेगी क्या मोक्ष में जाके. चलो पहले पहले समय में बहुत मजा आएगा, क्यों, क्योंकि पूरा तीन लोक तीन काल मतलब केवल ज्ञान, वाओ एकदम यूरेका मोमेंट, और मुझे तो इसको पता ही नहीं था, इतनी चीजें देखी. उसके बाद क्या होगा, आप जिस रास्ते जाने के लिए यहाँ आके बैठे हो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पहले डिसाइड तो करो जाना है क्या वहां पे. वापस आने की व्यवस्था नहीं है, ये भी समझ लेना कि हमें ये ख्याल तो आना चाहिए ना कि किस प्रकार का आनंद मिलता है. कुछ इमेजिनेशन में वो आनंद का एक क्राइटेरिया आना चाहिए ना कि क्यों आनंद मिलता है. मतलब तीन सबको जानने की वजह से मिलता है, तो जितने भी सिक्योरिटी टीवी को देखने वाले वॉचमैन हैं वो सुखी होने चाहिए. उनका काम पता है क्या है, सीसीटीवी जानना देखना, बैठ के बस जानते रहना देखते रहना, यही करना है ना आपको मोक्ष जाके. कर कुछ नहीं सकते हो, जानोगे देखोगे, राइट. तो काम क्या करूंगा मैं वहां जाके, अपन को तो घर में हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठना पसंद नहीं है, काम चाहिए ना हमको. एक्टिव लोग हैं हम, बहुत एनर्जी लेवल हाई है. वहां पे पता है कैसे एनर्जी लेवल हो जाता है, अंतराय कर्म का पूर्ण नाश, अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है. आप सोचो आदमी के पास इतना एनर्जी लेवल आ गया, अनंत वीर्य, इतनी ताकत, और काम कुछ नहीं, बस जानो देखो. ऐसे मोक्ष के लिए मरे जा रहे हैं इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग. ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है यदि आपने मोक्ष का स्वरूप ही नहीं समझा तो. मतलब हम बहुत तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मूल बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो फिर क्या है मोक्ष, है किस बात का सुख है. मतलब अपने को ऐसा लगेगा कि हम तो बोर हो गए मोक्ष जाके, हमें नहीं जाना मोक्ष. अब मैं ये कहूंगी जवाब इसका कि बोरियत जो नाम की चीज है ना, ये जो उकताना नाम की चीज है, क्या करे नाम की चीज है, ये आकुलता स्वरूप है कि निराकुलता स्वरूप, स्वरूप है ना. इसलिए मैं बताता हूं कि मोक्ष में कैसा सुख है, कि मोक्ष में निराकुल सुख है. खाना नहीं है पर आकुलता नहीं है खाने की, नहीं है प्रॉब्लम. भोग नहीं है पर भोगों की इच्छा ही नहीं है, नहीं है प्रॉब्लम. तो अगर उसकी इच्छा ही नहीं है और वो वस्तु नहीं है तो मैं दुखी नहीं हूं. और यदि इच्छा है और वस्तु नहीं है तो दुखी हो. केवल ज्ञानी को, मुक्त जीव को, उनके पास कोई भोग नहीं है लेकिन वो दुखी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी भी भोग की इच्छा नहीं है. उनको आकुलता नहीं है बोरियत होने की, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण निराकुल हो चुके हैं. कि जो सुख मुक्ति में है, मोक्ष में है, वो सुख निराकुलता का सुख है, वो सुख का स्वरूप ही निराकुलता रूप है. तो हमको ऐसा लगेगा कि इच्छा क्यों नहीं हो रही है कि ये आकुलता स्वरूप है, ये वहां पे नहीं, कि मैं बोर हो रहा हूं कि ये आकुलता स्वरूप है और वहां पे नहीं. ऐसे आप कोई भी चीज में जहां पे सोचोगे कि नहीं ये मजा नहीं आएगा, लेकिन मुझे आई डोंट थिंक आई एम गोना एंजॉय इट, मजा नहीं आना आकुलता स्वरूप है कि निराकुलता स्वरूप है, आकुलता वहां पे नहीं है. तो क्या मैं थस हो जाऊंगा, जड़ हो जाऊंगा. अब ये देखो हमारी मान्यता, हमें लगता है आकुलता नहीं है तो मेरा ज्ञान ही नहीं है. अनदर पॉइंट, हमारी एक और भ्रांति, क्या हमें लगता है कि जहां पे हमें आकुलता नहीं होगी वहां पे तो मैं टेबल कुर्सी की तरह हो गया जड़, नहीं मेरा ज्ञान ही खत्म हो गया है, फिर करना क्या है मुझे, बस अब झलक रहा है आईने की तरह, मजा क्या आया. कि नहीं, ज्ञान थस नहीं होता, ज्ञान जड़ नहीं होता, आकुलता के बिना भी तेरा अस्तित्व हो सकता है, इस बात को पहले स्वीकार तो कर, जो कि हम करते हैं. ऐसी चीज वहां ही नहीं मिलेगी, ज्ञान फुल रहेगा, एनर्जी फुल रहेगी, बिल्कुल राग नहीं रहेगा और पूर्ण सुख रहेगा.
ऐसा मुक्ति के सुख का स्वरूप है तो सैंपल मिलेगा दीदी, हम टेस्ट करे बिना ऐसी जगह कैसे पहुंच जाएंगे जहां से वापस नहीं आ सकते हैं? थोड़ा तो ट्रेलर दिखाओ, कुछ तो सैंपल दो कि सैंपल मिलेगा। यही सैंपल मिलेगा तुमको, कैसे मिलेगा? कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगेगी, उसी आनंद का सेम पूर्ण स्वरूप आपको मोक्ष में प्राप्त होगा। तो अभी तो मैंने आपको रिस्क ही नहीं किया ना, अभी तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी है, अभी तो फुल कैशबैक है, कोई आपकी जमानत जब्त नहीं करी है। यहाँ पे आत्मानुभव करके देखो तो आपको उसका सैंपलिंग भी प्राप्त हो जाए।